तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इट्स टेक्निकल खुश में। जैसे कि आपको पता ही है कि टिकटॉक पर आजकल डबल फेस वाली वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में चलती है। आज मैं आपको कुछ इसी प्रकार की डबल फेस वाली वीडियो बनाना सिखाऊंगा जो कि आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी भाई चैनल पर नए आए हैं, उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर हमसे बात कर सकते हैं। और वीडियो देखते समय अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आती है जो आपको नहीं बनानी आती तो आप उसको मेरे इंस्टाग्राम पर सेंड कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप वो वीडियो किस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसको बनाने के लिए आपको फ़ोन के नॉर्मल कैमरे से एक वीडियो शूट करना है, जो मैं आपको आगे बता दूंगा कि आपको किस प्रकार का वीडियो शूट करना है। और इसकी पूरी एडिटिंग हम काइनमास्टर ऐप में करेंगे। अगर किसी के पास विदाउट वाटरमार्क वाला काइनमास्टर ऐप नहीं है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कीजिए, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फ़ोन के कैमरे की तरफ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से एक्टिंग कर लेनी है, और एक्टिंग करते हुए अपना एक हाथ को, यानी कि एक हाथ को अपने मुँह से लेकर एक साइड में ले जाना, जैसे कि मैं लेके जा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको एक हाथ अपना साइड में ले जाना है। बस इस प्रकार से आपको एक्टिंग करनी है, पहले हंसना है और बाद में थोड़ा सैड हो जाना है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने की। तो अब हम आ चुके हैं अपने काइनमास्टर ऐप की तरफ। काइनमास्टर में आने के बाद आपको बीच का जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है, इस प्लस वाले आइकन पर आपको सेलेक्ट करना और बीच वाला 916 जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद अपने को मीडिया पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम मीडिया पर क्लिक करते हैं तो अपने को एक बैकग्राउंड लेना है। कोई भी बैकग्राउंड आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया, और इस ब्लैक बैकग्राउंड को हमने ले लेना और राइट वाले पर क्लिक कर देना है। अब हमारे को जाना है लेयर पर। लेयर पर जाने के बाद हम मीडिया में जाएंगे, और मीडिया में जाने के बाद जो अपने वीडियो बनाई थी, अभी हमने जो वीडियो बनाई थी उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, उसको यहाँ पे हमने लेके आना है। तो चलिए मैं उस वीडियो को यहाँ पर जल्दी से ले आता हूँ जो हमने अभी अभी वीडियो बनाई है। तो अब हमने उस वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया। एक्सपोर्ट करने के बाद में हमें इसको फुल स्क्रीन पर कर लेना। देखिए इस प्रकार से इसको हम फुल स्क्रीन पर कर लेंगे, और राइट वाले बटन पर, ऊपर जो राइट वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि यहाँ से हम एक्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ से इसको ट्रिम करना है। ठीक है, और उससे पहले हम इसको जूम कर सकते हैं। वीडियो को जूम करने के लिए इसे दोनों हाथों से इसको इस प्रकार से खींचना पड़ेगा, तो ये जूम हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में हम इसको ट्रिम करेंगे। तो पहले आपने सेट कर लेना है कहाँ से एक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ से एक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं वहाँ पर रोक के हम वीडियो पर क्लिक करेंगे, और कैंची वाले निशान पर जाकर इसको ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। और इसके बाद में अपने देखते हैं इसको सेट कर लेंगे बैकग्राउंड के हिसाब से, थोड़ा आगे सरका देंगे इसको उसी प्रकार से। तो अब हम देखते हैं कि अपनी वीडियो कुछ इस प्रकार से होएगी। ठीक है, अब हमें देखना है कहाँ से अपने हाथ ऊपर ले जाते हैं। देखिए यहाँ से अपने हाथ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से आप हाथ साइड में उठाते हैं ना, अपने फेस से साइड में उठाने लगते हैं, वहाँ पर इसको रोक लेंगे अपने। ऐसे रोक लिया, अब हम देखिए यहाँ से पूरी सेट करके रोक लेना कि अपना हाथ कहाँ से साइड में जा रहा है। वहाँ पर रोक के आपको ये निशान दिखाई दे रहा होगा, इस निशान पर आपको क्लिक करना और कैप्चर एंड सेव, ऊपरी ऊपर जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब ये पिक्चर अपनी गैलरी में सेव हो गई है। तो अब अपने चलना है अपनी बैकग्राउंड इरेजर जो ऐप होता है उसकी लिंक मैं आपको, ये ऐप है वो, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके अंदर अपने वो फ़ोटो को लेके आना है जो अभी अभी खींची है, लोड ए फोटो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और उस फोटो को यहाँ पर ये ऊपर ही पड़ी है इसको लेकर यहाँ पर आ जाएंगे अपने। तो इससे अब अपने को अकेला फेस फेस जो है ना वो ही छोड़ना, और बाकी सभी को कट कर देना है। देखिए किस प्रकार से करना है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मैनुअल पर क्लिक करना है, और मैनुअल पर इसको जूम करके अपने फेस को ही रखना है, बाकी सबको कर देना है। जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ इस प्रकार से करना आप भी। मैं थोड़ा जल्दबाजी में करूँगा, और आप आसानी से जितना टाइम हो सके आप इसको देना है अपने, और उतना ही अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से अपने इसको कट करते रहना है, कट करना है, फेस फेस को रखना, और बाकी हमारे को सभी रिमूव कर देना है यहाँ से। देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये, इस प्रकार से हम जल्दी से इसको कट कर लेंगे। तो चलिए मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ वीडियो की। और अब देखिए यहाँ पे ये हो चुका है। तो अब इसको अपने यहाँ पे राइट वाला निशाना ऊपर कोने में यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे इसको। तो अब फिनिश करके अपने को चलना है वापस अपने काइनमास्टर ऐप की तरफ। तो अब हमारे को लेयर पर सेलेक्ट करना है। लेयर पर सेलेक्ट करने के बाद मीडिया में जाएंगे, जो भी हमने अभी को इस फोटो को इरेज किया उसको यहाँ पर लेके आएंगे, और उसको अपने फेस के ऊपर क्रॉप करेंगे पहले इसको इस प्रकार से। अब हम इसको फेस पर अपने सेट करते हैं। देखिए किस प्रकार से
इस प्रकार से हमें फेस पर सेट करना है कि लगना नहीं चाहिए कि और पिक लगाई है, बिल्कुल सेट कर देना है आपने इसको फेस पर, जितना भी टाइम हो उसके इसमें लगाना है और उसको पूरी तरह से सेट करना है। देखिए अब लगभग ये सेट हो चुकी है और इसकी नीचे से लेंथ आपने फुल कर देनी है। देखिए फुल कर दिया, आप देखिए ये सेट हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पे एक साइड में की बटन दिखाई दे रहा है, तो साइड में देखिए आपको की बटन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको टैप करना है। यहाँ पे टैप करते हैं तो अपनी वीडियो को थोड़ा सा आगे चलाएंगे अपने, देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार थोड़ा सा आगे चलाएंगे इसको और अपना हाथ साइड में जा रहा है, तो अपने इस जो अभी अभी फ़ोटो हमने सेलेक्ट की है उसको भी इसी प्रकार से अपने हाथ पर सेट कर देना है आगे ले जाकर। देखिए उसको अब हम हिलाएंगे फ़ोटो को इस प्रकार से, हाथ के ऊपर सेट कर देना है बिल्कुल, कि ऐसा लगना चाहिए कि जो हमने पकड़ा हुआ है इसको। इस प्रकार से सेट करने के बाद अपने वीडियो को और आगे चलाएंगे और उस फ़ोटो को और यहाँ पे लेके आएंगे अपने हाथ की तरफ, मतलब हाथ में रहनी चाहिए अपने फ़ोटो को, इस प्रकार से लगना नहीं चाहिए कि अपने डुप्लीकेट है, इसी प्रकार लगना चाहिए कि ये हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, और बाद में अपने इस प्रकार से इसको सेट कर लेना है। तो बाद में लास्ट में एक रोट अपने एक लास्ट में लगा देना है, जिस प्रकार से मैं लगा रहा हूँ इसमें लास्ट में लगा देना है, प्लस वाले आइकन पर टाइप करके राइट कर देंगे। अब हम इसको चला के देख लेते हैं कुछ किस प्रकार से हमारी वीडियो दिखाई दे रही है। तो देखिए अपनी वीडियो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी अपने को, ये देखिए फेस साइड में जा रहा है बिल्कुल। आप थोड़ा सा इसमें टाइम लगा सकते हो कि बिल्कुल भी अपना पता ना चले, मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा टाइम लगा के करना है इसको, मतलब जितना भी हो सके उतना टाइम लगाना है। ठीक है, ये लास्ट वाला अपना भी कट करने वाला पार्ट है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना लास्ट में उसको अपने ट्रिम कर देना है। तो अब हम मीडिया पर जाकर एक सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे, कोई भी अपना सॉन्ग, मतलब जो अपना लगाना चाहते हो, मैंने ये वाला सॉन्ग लगाया था, तो आपको जो भी सॉन्ग पसंद हो उस पर जाके अपने को लेके आनी है वो वाली वीडियो यहाँ पे, जो भी आप सॉन्ग लगाना चाहते हो। अब हम ले आए हैं, अब हम इसको देखिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अपनों अपने को एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाला, एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाला, इस पर आपको टैप कर देना। देखिए इस पर टैप करने के बाद आपने यहाँ पे इस वीडियो का अपने पास कोई भी काम नहीं है, देखिए इस वीडियो का कोई भी काम नहीं है, तो इसको हम डिलीट वाले पे जाकर डिलीट कर देंगे, तो अपना मतलब वो आ चुका है अपने पास, साउंड आ चुका है, देखिए नीचे साउंड आ चुका है अपने पास। तो इसको अब हम चलाकर देख लेते हैं कि किस प्रकार का बना है अपना साउंड वाला वीडियो। ये देखिए इस प्रकार से कुछ अपना वीडियो बनेगा। तो आप जो भी चाहो अपनी मर्जी से साउंड यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे आप टिकटॉक पर जाइए और वहाँ पे जाके साउंड को सर्च कीजिए, अपना लेके आइए, यहाँ पे वीडियो डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे ले आइए, तो कोई भी साउंड लगा सकते हो। ये अगर आपको ये साउंड यूज़ करना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप इस साउंड को ले सकते हो। उसके बाद में ऊपर अपने को यहाँ पे तीर वाला बटन दिखाई दे रहा है ऊपर, इस पर टाइप करना है और वीडियो पर जाकर इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद में अपनी वीडियो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, आप देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार की अपनी वीडियो बन जाएगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।